हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। 2022 स्टार्ट हो चुके हैं और रियलमी का 9 सीरीज का भी स्मार्टफोन आज इंडिया पे लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है रियलमी 9i। लेकिन एक बात दोस्तों, रियलमी 9i अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन रियलमी 9i जिस प्राइस के आसपास आते हैं, उसी प्राइस के आसपास आपको इन्फिनिक्स की तरफ से भी एक अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 11s। इसलिए बहुत सारे भाई लोग बहुत कन्फ्यूजन में है, इन दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बाय करा जा सकता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल्स कंपैरिजन करूंगे। कैमरा बोल सकते हो, गेमिंग बोल सकते हो, डिस्प्ले बोल सकते हो, परफॉर्मेंस बोल सकते हो, ऑल फीचर्स लेकर डिटेल कंपैरिजन करूंगे। और उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है आपके लिए बेस्ट और सबके लिए बेस्ट। तो जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करके एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लुक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। लुक अच्छा होगा तो स्मार्टफोन को बहुत सारे भाई लोग भी बाई करेगा। तो लुक जो अच्छा मुझे लगा वो है रियलमी 9i के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बैक साइड की तरफ मिल रहा है पॉलीकार्बोनेट का बॉडी, क्योंकि प्लास्टिक का बॉडी, प्लास्टिक बॉडी होने के बाद भी ग्लॉसी फिनिशिंग डिजाइन मिल रहा है। और यहाँ पे जो बैक साइड की तरफ जो कैमरा का डिजाइन भी काफ़ी बढ़िया सा डिजाइन मिल रहा है, जो देख सकते हो बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप, LED फ्लैश मिल रहा है, उसके साथ साथ रियलमी का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है, स्मार्टफोन होने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, क्योंकि आपको साइड में एक 500 सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 11s के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपको बैक साइड की तरफ पॉलीकार्बोनेट का बॉडी देखने को मिलेगा। पॉलीकार्बोनेट बॉडी क्योंकि प्लास्टिक का बॉडी, प्लास्टिक बॉडी होने के बाद भी ग्लॉसी फिनिशिंग डिजाइन तो देखने को मिलेगा, लेकिन रियलमी 9i जैसा आपको इतना खूबसूरत डिजाइन इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप, क्वाड LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड होने वाला है, और यहाँ पे इन्फिनिक्स का लोगो भी देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन आने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में एक 500 सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो लुक जो मुझे अच्छा लगा वो है रियलमी 9i के अंदर। आप बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो इन्फिनिक्स नोट 11s के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 6.95 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले, जहाँ पे फुल व्यू डिस्प्ले इसका बेजल्स नीचे जो चेन छोटा होने वाला है। और यहाँ पे आपको 120Hz हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे 480 निट ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे रियलमी 9i के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी फुल व्यू डिस्प्ले इसका बेजल नीचे जो चेन छोटा होने वाला है, यहाँ पे भी आपको 480 निट ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा 90Hz हायर रिफ्रेश रेट। तो इन्फिनिक्स नोट 11s के अंदर आपको 120Hz हायर रिफ्रेश रेट मिल रहा है, और यहाँ पे रियलमी के अंदर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा ये है इन्फिनिक्स नोट 11s के अंदर। लेकिन अगर आपने बड़ा डिस्प्ले नहीं पसंद करना चाहते तो आप यहाँ पे रियलमी के पास जा सकते हो। और अगर आपने बड़ा डिस्प्ले आपको अच्छा लगता है तो जो यहाँ पे डिस्प्ले में आगे निकल जाता है इन्फिनिक्स नोट 11s। आप बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस के बारे में, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्विट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों रियलमी 9i के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन की तरफ से चिपसेट, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का 680 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6nm का चिपसेट। लेकिन एक बात दोस्तों, इसके अंदर जो अंतुतु स्कोर आपको इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा जैसे कि इन्फिनिक्स नोट 11s के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 11s के अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिलेगा मीडियाटेक की तरफ से, मीडियाटेक हेलियो G96 चिपसेट, एक 12nm का चिपसेट है। लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको कई गुना बेकार देखने को मिलेगा वो है इन्फिनिक्स नोट 11s के अंदर। ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और दोनों स्मार्टफोन आने वाले एंड्रॉइड 11 के साथ, और दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको अलग अलग OS देखने को मिलेगा, रियलमी के अंदर रियलमी UI और इन्फिनिक्स के अंदर XOS का अपडेट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन का कैमरा में जाने से पहले आप लोग को छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो जरूर एक लाइक कर देना, और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरे से कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो जो साइड में बेल आइकन है उसको जरूर ऑल में क्लिक कर देना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
तो चलिए कैमरे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपको Infinix Note 11 S के अंदर देखने को मिलेगा बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और दो दो करके और दो सेंसर। सेल्फी में आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन Realme 9i के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपको बैक साइड में मिल रहा है ट्रिपल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और दो दो करके दो सेंसर। सेल्फी के अंदर यहाँ पे भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो कैमरा क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। तो मेरे पास आएगा जो Infinix Note 11 S तो मेरे पास है, लेकिन Realme 9i जब मेरे पास आएगा मैं दोनों स्मार्टफोन के अंदर डिटेल्स कैमरा रिव्यू आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, तो उसके लिए इंतजार जरूर करना। आप बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन का बैक कैरी के बारे में। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की पावरफुल बैक कैरी देखने को मिलेगा, टाइप सी केबल भी रहने वाला है और 33W का एडाप्टर भी दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। जो दोनों स्मार्टफोन के अंदर बैक कैरी बैकअप भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन का प्राइस के बारे में, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो Realme 9i का बेस्ट वेरिएंट 4GB 6GB 4GB इंडिया में मिल रहा है अभी जो लॉन्च हुआ है 14,000 rupees के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो Infinix Note 11 S इंडिया में अभी मिल रहा है जो 6GB 6GB 4GB 13,000 rupees के अंदर। अब बात करते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो मैं कहूँगी अगर अपने Realme का लवर हो और एक अच्छा लुक का स्मार्टफोन लेना चाहते हो और डिस्प्ले छोटा लेना चाहते हो तो आपके लिए Realme 9i अच्छा होने वाला है। और अगर अपने ऑल फीचर्स बेटर लेना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे Infinix Note 11 S बेटर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको 120 का हायर रिफ्रेश रेट मिल रहा है जो डिस्प्ले के अंदर, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको बेटर देखने को मिल जाएगा और 6GB रैम भी देखने को मिल जाएगा और भी 1000 rupees कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे विनर रहता है Infinix Note 11 S। ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना सके उतना शेयर करना वीडियो को आपका दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में जहाँ भी हो शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले न्यू फेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।